Hello everybody, today we are going to start the new session which is all about English grammar. This session will be very much advisable and helpful for those students who are trying to learn English grammar for the sake of especially medical university preparation. So those students who are preparing for PMDC universities, NUMS or UHS, they will find very relevant material or very advisable things from this lecture especially. So हम start करने जा रहे हैं आज का lecture जो कि सारा का सारा हमारा मुताबिक होगा PMDC के syllabus के मुताबिक. So आज का पहला lecture है हमारा prepositions. Prepositions अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप प्रेपोजिशन का मसला हल करना चाहते हैं, तो पहली गलती जो आप लोग कर रहे होते हैं वो गलती है ट्रांसलेशन की. यानी हम जब भी प्रेपोजिशन को पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं. सो आज से पहली ट्रिक है आप लोगों को, यानी पहला एक किस्म का मैं टिप्स दे रहा हूँ कि पहला टिप ये है कि ट्रांसलेशन के मेथड को निकाल के बाहर करें. डोंट ट्रांसलेट एनी मोर. ये ना सोचें कि हम उर्दू के अंदर उसको क्या कहेंगे, ये ना सोचें कि हम सिंधी के अंदर उसको क्या कहेंगे, ये ना सोचें कि हम हमारी लोकल लैंग्वेज के अंदर उसको क्या कहेंगे. नेवर. नाउ सी कि कुछ यहाँ पर सेंटेंसेस हैं. यू वर रूड विथ मी. देखिए वो मेरे साथ बहुत रूड था, वो मेरे साथ बहुत अच्छा था. ही वॉज गुड विथ मी. ही वॉज देखिए साथ, वो मेरे साथ अच्छा था, मेरे से उसके ताल्लुकात अच्छे थे. ही वॉज़ गुड विथ मी, ही वॉज़ रूड विथ मी, ही वॉज़ बैड विथ मी. इस किस्म के जो भी हमारे फिक्रे होते हैं, इस किस्म के जो भी हमारे सेंटेंसेस होते हैं, वो हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं. अगर हमने ट्रांसलेशन मेथड पे जहन दिया, अगर फोकस किया, तो हम यहाँ पर विद लगाते हैं. तो विद पे फोकस करें. मैं दूसरा सेंटेंस पढ़ूंगा, ही डाइड इन कैंसर. क्या इस सेंटेंस को देखकर आपको नहीं लगता कि ये सेंटेंस गलत है? अगर आपको नहीं लगता तो आप गलत तरीके से प्रेपोजिशंस पढ़ रहे हैं. आपको ये सेंटेंस गलत लगना चाहिए. ही डाइड इन कैंसर, वो कैंसर में मर गया, उसकी डेथ कैंसर में हो गई. हमारे जहन में वो वर्ड मे होता है और हम सोचते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में मे को क्या बोलेंगे, तो हमें जहन में आता है इन बोलेंगे और हम लगा देते हैं इन. सोचिए कि कोई भी लैंग्वेज किसी और लैंग्वेज की कॉपी नहीं है. इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स और उसके अपने पैरामीटर्स हैं, उसकी अपनी चीज़ें हैं. डोंट थिंक अबाउट लिटरल मीनिंग्स ऑफ द वर्ड. सो इनके अपने यूसेज होंगे, विद के अपने होंगे, फ्रॉम के अपने होंगे. ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन पढ़ने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर. तो देखिए, डाइड इन कैंसर, शी इज गुड इन इंग्लिश. वो इंग्लिश में बहुत अच्छी है, केमिस्ट्री में वीक है. She is bad in chemistry. He is good in physics. देखिए वो English में अच्छी है, हमारे जहन में वही में आता है, She is good in English. अगर आपको भी लगता है कि ये sentence गलत है, तो आपके preposition के बहुत सारे मसाइल हैं. The child was scared from dogs. बच्चा कुत्तों से डरा हुआ था. From dogs, कुछ क्लिक होता है, scared के साथ from होना चाहिए. The man with glasses is his brother. Man with glasses, the teacher with glasses, the man in black suit, the guy in red shirt. देखिए with बोलेंगे या in बोलेंगे, दो जहन में आ रहा है. The man in black shirt, the man with black shirt. सोचिए अब हम discuss करेंगे. India attacked on Pakistan. क्या यहाँ पर ऑन प्रेपोजिशन होनी चाहिए या आपको लगता है इन होनी चाहिए या कुछ और होना चाहिए? शी एंटर्ड इन टू द रूम. देखिए इन टू होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए या नो प्रेपोजिशन होनी चाहिए? आई हैव गिवन यू सम सेवरल सेंटेंसेस ये तय करने के लिए कि ट्रांसलेशन मेथड को अवॉइड करें. नेवर थिंक अबाउट ट्रांसलेशन मेथड एवर.
from now onwards you must think English language as a separate language. Their rules, their parameters and their things are quite unique and they are not dependent on any other language in the world. Never compare, never use translating method. Clear? Right. You were rude with me. जब भी बिहेवियर की बात आएगी, ट्रिक बता रहा हूँ, ये ट्रिक आप जहन में बिठा लें, जब भी बात आएगी बिहेवियर की तो आप वहां पर विद इस्तेमाल नहीं करेंगे. बिहेवियर की बात आए तो आप वहां पर प्रेपोजिशन कौन सा इस्तेमाल करेंगे? टू इस्तेमाल करेंगे, टी ओ टू, टू प्रेपोजिशन. देखें, यू वर रूड विथ मी नहीं होगा. इस किस्म के क्वेश्चंस आपके मेडिकल के यूनिवर्सिटीज में आए हुए हैं. यू वर रूड टू मी, टू मी, आपका बिहेवियर मेरे साथ अच्छा नहीं था. बिहेवियर की बात आ रही है तो जब भी बिहेवियर की बात आएगी प्रेपोजिशन विद नहीं लगेगा. ट्रांसलेशन मेथड को अवॉइड करके हमने क्या लगाया यहां पर? यू वर रूड टू मी, टू लगाएं. ही वॉज गुड टू मी, शी वॉज नाइस टू मी, दे वर बैड टू अस. देखें, बिहेवियर चाहे अच्छा हो, बिहेवियर चाहे बुरा हो, इन बोथ सेंसेस यू विल यूज टू. आप आज से ये बिठा लें जहन में कि प्रेपोजिशन कौन सा इस्तेमाल करना है, टू इस्तेमाल करना है. दूसरा सेंटेंस देखें, ही डाइड इन कैंसर. वो कैंसर में मर गया, वो कैंसर की वजह से मर गया, बीमारी उसका सबब थी. तो आप यहाँ पर जब भी कोई डिजीज के अंदर किसी की डेथ होगी तो आप प्रेपोजिशन इन इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऑफ इस्तेमाल करेंगे. ये जहन में बिठा ली, डेथ की बात आती है और वो डिजीज शो करता है तो आप हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे. ही डाइड इन कैंसर नहीं, इन तो प्लेस के लिए इस्तेमाल होता है. क्या कैंसर किसी प्लेस का नाम है? कैंसर अगर यहां पर होता पाकिस्तान, अगर यहां पर होता एशिया, अगर यहां पर होता यूरोप तो फिर आप इन लगा सकते थे. ही डाइड इन यूरोप, ही डाइड अगर होता, अगर देखिए इन प्रेपोजिशन टाइम के लिए भी इस्तेमाल होता है. अगर आपके पास होता ही डाइड इन 1948, इन 1948 टाइम के लिए भी इस्तेमाल होता है. याद करें, जब भी डिजीज आएगी तो आप वहां प्रेपोजिशन ऑफ इस्तेमाल करेंगे. लुक एट दिस, ही डाइड ऑफ कैंसर. ऑन की जगह क्या लगे, इन की जगह लगेगा ऑफ. ही डाइड ऑफ कैंसर. लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, शी इज गुड इन इंग्लिश. शी इज गुड इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में अच्छी है. नहीं, ये एबिलिटी है. हम यहाँ पर गुड किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनकी इंग्लिश के अंदर एबिलिटी अच्छी है. तो जब एबिलिटी की बात आएगी, देखें पहली बात आज हमने सीखी बिहेवियर, दूसरी बात आज हमने सीखी डिजीज और डेथ, और तीसरी बात हम सीखने जा रहे हैं एबिलिटी. जब भी हम किसी एडजेक्टिव के थ्रू, जब भी किसी भी एडजेक्टिव के थ्रू आप एबिलिटी शो करेंगे, चाहे गुड हो, बैड हो, एक्सेलेंट हो, वीक हो, इसके थ्रू जब भी आप जो वो प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या होगा? एट लगेगा. कभी भी इन ना लगाएं. देखिए, शी इज गुड इन इंग्लिश नहीं होगा, शी इज गुड एट इंग्लिश. दे आर बैड एट स्पीकिंग, यू आर एक्सेलेंट एट रनिंग, शी इज परफेक्ट एट कुकिंग. देखिए, हमने डिफरेंट एडजेक्टिव्स इस्तेमाल किए और एडजेक्टिव्स में क्या है कि हम प्रेपोजिशन एट इस्तेमाल कर रहे हैं. तो याद रखें, एबिलिटी की जब भी बात आएगी एडजेक्टिव्स के थ्रू प्रेपोजिशन एट लगाएं. अब आप कहेंगे सर एबिलिटी खुद वर्ड आ जाए सेंटेंस के अंदर तो प्रेपोजिशन क्या लगेगा? ही हैज एबिलिटी इन फिजिक्स. एबिलिटी के साथ इन लगेगा, खुद एबिलिटी के साथ, लेकिन वो एडजेक्टिव्स गुड बैड इस तरीके के जो भी एडजेक्टिव्स हैं वो आएंगे, एबिलिटी वाली मीनिंग दे रहे होंगे तो प्रेपोजिशन एट लगेगी. ये एक और ट्रिक हो गई. देखें, द चाइल्ड वॉज स्केयर्ड फ्रॉम डॉग्स. वो कुत्तों से डरा हुआ था. फ्रॉम नहीं,
फ्रॉम इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब भी बात आती है स्केयर्ड की, जब भी बात आती है फ्राइटेंड की, जब भी बात आती है टेरिफाइड की, स्केयर्ड हो टेरिफाइड हो, इस तरीके का अगर कोई और वर्ड हो, अफ्रेड हो, स्केयर्ड अफ्रेड टेरिफाइड या फ्राइटेंड, ये सारे सिनोनिम्स हैं। अगर इस किस्म के कोई भी अल्फाज आएंगे तो आप वहाँ पर प्रेपोजिशन फ्रॉम नहीं, क्या लगाएंगे, स्केयर्ड ऑफ डॉग्स, शी इज़ अफ्रेड ऑफ इंसेक्ट्स, और शी इज़ अफ्रेड ऑफ हाइट्स। किसी भी किस्म का अगर अफ्रेड वर्ड होता है, फ्राइटेंड वर्ड लगता है, स्केयर्ड वर्ड लगता है, तो प्रेपोजिशन कौन सी इस्तेमाल करेंगे, ऑफ करेंगे, फ्रॉम नहीं करना। हमारे जहन में ट्रांसलेशन मेथड लगा हुआ है, जब भी ट्रांसलेशन मेथड होता है तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम फ्रॉम करते हैं, नहीं ऑफ। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस, द मैन विद ग्लासेस इज हिज ब्रदर। वो बंदा जो ग्लासेस के साथ है, ग्लासेस के साथ नहीं है, विद कोई और बंदा थोड़ी है। यहाँ पर प्रेपोजिशन, जब भी किसी के लिबास के बारे में बात करेंगे, वो बंदा जिसने लाल शर्ट पहनी हुई थी, वो बंदा जिसने ब्लैक शूज़ पहने हुए थे, वो बंदा जिसने जो है वो ब्लू कैप पहनी हुई थी, वो बंदा जिसने वॉच पहनी हुई थी। अब देखिए, इस किस्म की जब भी हम हुलिया बताने की कोशिश करेंगे, किसी को डिस्क्राइब कर रहे होंगे उनके लिबास के बारे में, क्या प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे, इन प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे, द मैन इन वाइट शूज़, द मैन इन ब्लैक शर्ट, द गाय इन रेड अटायर, और द गर्ल इन रेड अटायर, द मैन विद ब्लैक वॉच और वाइट वॉच, द मैन इन कैप। सो इस तरीके की जो भी चीज़ पहनने वाली चीज़ होती है तो आप प्रेपोजिशन इन इस्तेमाल करते हैं। लुक एट दिस, द मैन विद ग्लासेस नहीं होगा, द मैन इन ग्लासेस इज हिज ब्रदर। वो बंदा जो ग्लासेस, जिसने ग्लासेस पहन रखे हैं, वो इसका भाई है, पहन रखे हैं, वो वाला सेंस। इंडिया अटैक्ड ऑन पाकिस्तान इन 1947। देखिए, अटैक के साथ अगर अटैक वर्ब है, देखिए इंडिया सब्जेक्ट है, अटैक वर्ब है, अगर अटैक किसी भी सेंटेंस के अंदर एज अ वर्ब इस्तेमाल होगा तो आप उसके साथ कोई प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं करेंगे। स्पेशली देखें, अटैक ऑन पाकिस्तान नहीं होगा, इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान इन 1947। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि टाइम के लिए 47 के लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे 2010 हो, 15 हो, इन प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगी। सो अटैक के साथ प्रेपोजिशन इस्तेमाल ना करें। अभी आप लोगों के जहन में आ रहा होगा, अभी आप सोच रहे होंगे कि अगर अटैक वर्ब ना हो, नाउन हो, तो एन अटैक ऑन पाकिस्तान, अगर नाउन हो पाकिस्तान्स अटैक ऑन इंडिया। देखिए, पाकिस्तान्स अटैक, इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, पाकिस्तान्स अटैक ऑन इंडिया। अब यहां पर अटैक जो है ना, वो नाउन है, जब भी नाउन होगा तो वो अपने साथ ऑन प्रेपोजिशन लाजमी लेगा। अब यहाँ पर अटैक नाउन है, यहाँ पर अटैक जो था वर्ब है, अटैक जब भी वर्ब होगा कोई प्रेपोजिशन नहीं लेगा, एनपी यानी नो प्रेपोजिशन। शी एंटर्ड इनटू द रूम, एंटर जब इंसान फिजिकली किसी भी चीज़ में एंटर होगा, चाहे आप क्लास के अंदर एंटर हों, चाहे आप किसी कंट्री के अंदर एंटर हों, रूम के अंदर एंटर हों, चाहे किसी स्कूल कॉलेज के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर हों, आप उसके साथ कोई प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं करेंगे, नो प्रेपोजिशन। एंटर्ड वर्ड के अंदर ऑलरेडी इन मौजूद है, लाइक आई एंटर्ड द क्लास, यू हैव एंटर्ड द रूम, ओके, आई जस्ट एंटर्ड द ऑफिस When you called me, I just entered the office. Entered in the office गलत हो जाएगा, into the office गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो preposition लगनी है वो zero preposition लगनी है, किसी किस्म की कोई preposition नहीं लगनी है। So आज अभी आप लोगों को ये पता चला कि prepositions किस तरीके से सीख सकते हैं हम, किस तरीके से preposition चल सकती है। Now
सेकंड पोर्शन है, वो सेकंड पोर्शन ये है कि हम अभी रोड मैप बनाने जा रहे हैं। रोड मैप ये होगा कि आप हमारे इस सेशन के थ्रू किस तरीके से प्रेपोजिशन सीखेंगे। आप कहेंगे सर ये तो आपने रैंडमली बताया है, हमें तो इस तरीके से बातें नहीं समझ आएंगी। तो मैं आपको अभी हमारे इस सेशन का स्पेशली पहला टॉपिक प्रेपोजिशन है तो उसका मैं रोड मैप बताने लगा हूँ कि किस तरीके से हम किस मेथड के थ्रू प्रेपोजिशन सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। और यहाँ पर आपको पीएमडीसी के प्रीवियस पेपर्स के मैं कुछ एमसीक्यूज भी आपको साथ साथ बताता चलूँगा कि इस तरीके से क्वेश्चन आया था प्रेपोजिशन का, इस तरीके से चीज़ें आई थी। अब देखें हम पढ़ेंगे क्या, कैटेगरीज ऑफ प्रेपोजिशन। देखें वो प्रेपोजिशंस जो प्लेस के लिए इस्तेमाल होती हैं, प्लेस के लिए, यानी वो प्रेपोजिशन जो प्लेस को शो करती हैं। इन देखें, इन क्लास, क्लास एक प्लेस है, ऑन, एट, बाय, क्लोज टू, नेक्स्ट टू, बिसाइड, अबव, ओवर, बिलो, अंडर, ब्ला ब्ला ब्ला, ये वो प्रेपोजिशंस हैं जो किसी भी प्लेस को शो करती हैं, यानी प्लेस के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो इनका जो इस्तेमाल प्लेस के लिए होगा वो हम पहले पढ़ेंगे। उसके बाद प्रेपोजिशंस आपके पास हैं टू, यानी मूवमेंट वाली प्रेपोजिशन, यानी टू हमेशा किसी मूवमेंट को दिखाता है। ये वाली प्रेपोजिशंस मूवमेंट नहीं दिखाती। इन, रेस्ट वाली सिचुएशन, ऑन, एट, बाय, क्लोज टू, ये सारे किसी किसी प्लेस को दिखाते हैं। वेयर इज हिज हाउस, हिज हाउस इज जस्ट क्लोज टू द बैंक, क्लोज टू, उसकी हाउस की प्लेस दिखा रहे हैं। दूसरी कैटेगरी क्या है, मूवमेंट की। मूवमेंट की कैटेगरी अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा टू, towards, into, onto, over, above, below, under, across, and through. So ये prepositions जो हैं they are about movement. ये हमेशा किस को शो करेंगी, movement को शो करेंगी। जब movement आए ना, we are going to school, we are moving towards school. Suppose I am throwing this marker into the bag, into. So this marker will move from this place to the place of the bag. इस तरीके से movement के अंदर जो भी ये words आ रहे हैं, चाहे आपके to हों, चाहे towards हों, into, onto, ये सारे movement के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद category आती है time की। देखें हमने यहाँ पर इन, ऑन और एट को टाइम के लिए देखेंगे पहले, उसके बाद यही प्रेपोजिशंस दोबारा आ जाएंगी। देखें इन, ऑन, एट कौन सी कैटेगरी में, टाइम की कैटेगरी में दोबारा आ जाएंगी। देखें इन 1947, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, एट 9 AM, एट 8 PM। सो सिंस, फॉर, ड्यूरिंग, बाय, अंटिल, देखें बाय दोबारा आ गया है। पहले वाला बाय प्लेस के लिए इस्तेमाल हो रहा था, आगे वाला ये बाय टाइम के लिए इस्तेमाल होगा। दो अलग अलग यूसेज बन जाएंगी, दो अलग अलग चीज़ें बन जाएंगी। सो आगे एजेंसी वाले होंगे बाय विद, रीज़न वाले होंगे बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू, ओविंग टू, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और फिर कंट्रास्ट वाले हैं इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट। सो दिस इज द रोड मैप, दिस इज द मेथड। ये हम कैटेगरीज प्रेपोजिशंस की अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। पहली कैटेगरी हम स्टार्ट करेंगे प्लेस की अगले लेक्चर के अंदर, और ये छह कैटेगरीज, इंपॉर्टेंट कैटेगरीज पढ़ने के बाद हम फिक्स प्रेपोजिशंस पढ़ेंगे और उनको किस तरीके से जो है वो याद रखें, किस तरीके से पढ़ें, उसकी आसान ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।